समस्याएं। अब समस्याएं किसके जीवन में नहीं होती, हर एक के जीवन में समस्याएं होती। और ठीक है, जीवन है तो समय के साथ समस्याएं आती ही, किंतु क्या सारी समस्याएं समय ही लाता है? नहीं, आप सारी समस्याओं का श्रेय समय को नहीं दे सकते। ये अधिकतर समस्याएं तो ऐसी होती हैं जिन्हें हम स्वयं आमंत्रित करते हैं कि समस्याओं आओ, मैं आपकी प्रतीक्षा कर रहा हूं। कैसे? अब ये निर्भर करता है आपकी हाँ और ना। अधिकतर समस्याएं इसलिए आती क्योंकि हम बार बार हाँ कहते जाते हैं, और अधिकतर समस्याएं इसलिए आती हैं क्योंकि हम उचित समय पर ना नहीं कह पाते। इसलिए बिना सोचे समझे किसी भी बात या किसी भी प्रस्ताव का समर्थन करना आपको बहुत बड़े संकट में डाल सकता है। वहीं कभी ना ना कह पाना, ये आपको उससे भी बड़े संकट में डाल सकता है। इसलिए स्मरण रखिए ये अत्यंत महत्वपूर्ण सीख, सदैव सोच समझ कर ही हाँ कीजिए और दृढ़ता के साथ ही ना कीजिए, और विश्वास कीजिए आपका जीवन अत्यधिक सुखमय हो जाए। लोग मुझसे कई बार पूछते हैं, काना रुक्मिणी तो तुम्हारी अर्धांगिनी है, फिर क्यों उसकी ये यात्रा इतनी कठिन? क्यों तुम्हारा अथाह अखंड प्रेम पाने के लिए उसे इतनी कठिन परीक्षाओं का सामना करना पड़ रहा? चलिए मैं आपको एक बात समझा देता हूं। अथा अखंड प्रेम की यात्रा ये कठिन ही होती है। अब ऐसी ही एक यात्रा है रुक्मिणी की भी, परिशुद्ध प्रेम को समझने की यात्रा। ऐसा प्रेम जो क्रोध, भय, मोह, अधिकार, अहंकार, ईर्ष्या, इन सारे विकारों से मुक्त है। अब इस यात्रा में उसकी सहायता करेगी राधा। इतना ही नहीं, मैं आपको यह भी बता देता हूं कि संसार की हर एक नारी इस यात्रा में चलती है। अब जो नारी इस यात्रा के अंत तक पहुंच जाती है वो एक उच्च स्तर पर पहुंच जाती है, जहां वो कहलाती है अर्धांग। विवाह, विवाह का स्त्री के जीवन में क्या महत्व होता है? चलिए बात करते हैं हम रुक्मिणी। एक स्त्री जिसने पवित्र मंशा से किसी को चाहा, उसे विवाह की इच्छा की। अब विवाह यानी पानी का, यानी किसी का हाथ थाम कर आगे का समस्त जीवन उसी के संग व्यतीत करना। मेरा हाथ थाम कर रुक्मिणी को विवाह सुख तो अवश्य मिला, किंतु उसकी ये प्रेम यात्रा इसका अंत नहीं हुआ, ये तो बस आरंभ हुई। अब रुक्मिणी के जीवन में ऐसा पड़ाव आरंभ हो चुका है जहां उसे स्वयं उस व्यक्ति को पहले समझना होगा जिसका हाथ थाम कर उसके संग समस्त जीवन व्यतीत करने का निर्णय उसने लिया। अब एक क्षण जो है हर एक के जीवन में आता है, हर एक यानी आप भी, आपके जीवन में भी एक क्षण अवश्य आएगा, तो इसके लिए सज्ज रहे। अपने मन में जितने भी विकार हैं उन्हें कहीं त्याग दिए, और परिशुद्ध प्रेम से, पवित्र मन से जीवन साथी को समझने का प्रयास कीजिए बिना किसी अपेक्षाओं। यदि ऐसा करोगे तभी इस कठिन परीक्षा में उत्तीर्ण होगे, अन्यथा नहीं। कुछ लोग ऐसा सोचते हैं कि परिश्रम करने की आवश्यकता ही क्या है, इस प्रकृति ने हमें सब कुछ दिया है, जन्म दिया है, जीवन दिया है, ये प्रकृति हमारा पालन पोषण भी कर ही लेगी। आप बताइए, कभी आपने देखा है सिंह को सेवा करते हुए? नहीं ना। कभी आपने देखा है पक्षी को चाकरी करते हुए? नहीं ना। फिर भी उनका पेट तो भरता ही है। चलिए आपकी ये बात मैं मान लेता। अब आप मेरे एक प्रश्न का उत्तर दीजिए, कभी आपने देखा है कोई जीव स्वयं चल के सिंह के मुख में आके बैठा हो और उसने कहा हो कि मुझे आप खा लीजिए, अपना भोजन बना लीजिए, अपना पेट भर लीजिए? ऐसा तो कभी नहीं हुआ। सिंह को उसका भोजन वन में मिल जाता है, किंतु आखेट
उसे ही करना पड़ता है। यदि उसने नहीं किया तो वो तो कहीं भूखा मर जाए। यदि बात की जाए पक्षी की तो प्रकृति ने उसे दाने अवश्य दिए हैं, किंतु उसे खोजना स्वयं पक्षी को ही पड़ता है। स्वयं को जीवित रखने के लिए घोंसला बनाना पड़ता है, जिसके लिए भी अत्यधिक परिश्रम करने पड़ते हैं। इस परिश्रम से दूर मत भागिए, क्योंकि यही परिश्रम दूर दूर तक आपका भाग्य बनाता है। जीवन में आगे बढ़ने के लिए आपको परिश्रम करना ही पड़ेगा। तो किसी भी वस्तु या जीव का आकार, स्थिति, परिस्थिति या बल देखकर आप उसकी क्षमताओं का अनुमान लगा सकते हैं? कदापि नहीं। चलिए मैं आपको उदाहरण देता हूं एक तलवार का। एक तलवार जिसे आप बड़े बड़े युद्ध जीत सकते हैं, बड़े बड़े राजाओं को परास्त कर सकते हैं। चलिए आपने ये तलवार किसी को दिखा दी और उससे उसके वस्त्र छीन ली। अब सोचिए जब वो वस्त्र फट जाते हैं तब एक छोटी सी सुई ही चमत्कार दिखाती, तब तलवार किसी काम नहीं आती। उसी प्रकार एक मछली वन में जाकर आखेट तो नहीं कर सकती, और उसी प्रकार सिंह जल का राजा तो नहीं बन सकता। हर एक की अपनी अपनी दुर्बलता है, हर एक का अपना अपना बल है, और इस प्रकृति ने सबको इस प्रकार से बनाया है कि हर एक में कोई ना कोई विशेषता होती ही है। इसलिए यदि आप स्वयं में या दूसरों में केवल कमियां देख पा रहे हैं तो तनिक ऊपर उठ के देखिए और सब में विशेषताएं ढूंढना प्रारंभ कीजिए। आप पाएंगे कि आप कितने विशेष हैं, दूसरे कितने विशेष। आप जानेंगे कि ये संसार, ये प्रकृति कितनी विशेष है। जल राशि से सदैव मुझे प्रेम रहा है, तो चाहे वो मथुरा की यमुना नदी हो, चाहे वो द्वारका का समुद्र। समुद्र किनारे चलते चलते जब वो कोमल लहरें आके पाँव को छू जाती हैं, थकान ही हर लेती, हम में एक ऊर्जा भर देती, मन को उल्लासित कर देती। क्या उन लहरों के विषय में आपने कभी सोचा है? यही लहरें जब तट पर आती है छोटे कंकड़ों से टकराकर बिखर जाती हैं, और समय ऐसा भी आता है जब यही लहरें इतनी कठोर हो जाती है कि विध्वंस फैला देती है, सब कुछ नष्ट कर देती है। इसका एक सार है, एक अत्यंत महत्वपूर्ण सीख है कि कभी किसी को दुर्बल मत समझिएगा, कभी नहीं। क्योंकि ये दुर्बलता, ये जब अपने वास्तविक बल का भान करती है, प्रबल विनाश मचाती है। इसलिए किसी की विनम्रता, किसी की कोमलता का सदैव सम्मान करें। राधे राधे।